बीम को सॉल्व करने के पहले अपने को बीम का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है. सो नाउ वी विल एनालाइज ए कंटिन्यूस बीम एंड आफ्टर एनालिसिस इज कैरिड आउट देन वी विल गो फॉर द डिज़ाइन पोर्शन. आई एम टेकिंग थ्री स्पैन बीम विच वी कैन कॉल एज ए कंटिन्यूस बीम विथ ए स्पैन ऑफ 4, 5 and 3 meters रिस्पेक्टिवली with a uniformly distributed load which is already transferred from the slab by conversion from a triangular load as well as from the trapezoidal load as a UDL. इसमें क्या करना है, सब हमेशा ये मान के चलना ये सब दोनों सभी एंड फिक्स है, दोनों एंड फिक्स किया और उसमें सबसे पहले स्टिफनेस फैक्टर निकाला. स्टिफनेस फैक्टर 4EI/L, यदि एंड फिक्स है तो 4EI/L, यदि सिंपली सपोर्टेड है तो हमेशा इक्विनेस 3EI/L. परंतु चूंकि अपन बीम डिज़ाइन कर रहे हैं, बीम में हमेशा अपन एंड्स को फिक्स मानेंगे, तो ये सब 4EI/L 4EI/L से सब स्टिफनेसेस निकल जाएंगे. एक बार वो स्टिफनेसेस आ गई, फिर अपने को डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है इस जॉइंट बी के ऊपर, जॉइंट सी के ऊपर. स्टिफनेस फैक्टर निकालने के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ये स्टिफनेस ऑफ बी ए अपॉन स्टिफनेस ऑफ बी ए प्लस बी सी. इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर जॉइंट सी इज इक्वल टू स्टिफनेस ऑफ सी बी अपॉन स्टिफनेस ऑफ सी बी प्लस सी डी. इस प्रकार से निकाल करके अपन उसके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल लेंगे विच इज कम्स आउट टू बी 0.55, 0.45, 0.37 and 0.63. हमेशा दोनों का सम जो है वो यूनिट होता है, एक होगा. अब इसके बाद में जब अपने को मालूम है तो पहले ए बी बी सी तीनों बीम को अलग अलग कर लो और उसे फिक्सेड मोमेंट निकाल लिए. ए बी के लिए फिक्सेड मोमेंट आएगा WL² / 12 से यू डी एल के कारण, माइनस प्लस करके सभी बेंडिंग मोमेंट्स निकाल लिए अपने. साथ में अपन ने आवश्यकता लगेगी बाद में, इसलिए इसके सैगिंग बेंडिंग मोमेंट भी WL² / 8 सैगिंग बेंडिंग मोमेंट फॉर ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड निकाल के इसको वैल्यू रख लिया अपने. ये अपने को इसकी आवश्यकता बाद में लगेगी जब अपन फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तब, इसलिए इसको अभी इसको स्किप कर देते हैं. अब अपन वापस चलते हैं. अब अपने पर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आ गया, फिक्सेड मोमेंट्स यहाँ आ गए, फिक्सेड मोमेंट्स ए पे बी पे बी ए पे बी सी पे सब पे फिक्सेड मोमेंट्स आ गए. और अब अपने को मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन से यहाँ से फिक्सेड मोमेंट एट ए बी और सी और डी निकालना है. तो बड़ी सिंपल तरीका है इसका, एक टेबल फॉर्म बनाओ. इस टेबल में हमेशा वैल्यू पहला रहेगा जॉइंट ए बी सी डी, चार जॉइंट. उसके बाद में उसके मेंबर होंगे ए बी बी ए बी सी सी बी सी डी डी सी, ये सब मेंबर लिख दिया अपन ने. उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और फिक्स एंड मोमेंट जो अभी थोड़ी देर पहले अपन निकाले थे वो यहाँ रखे हैं, माइनस प्लस. नाउ इसका डिफरेंस निकाला, इस डिफरेंस को साइन चेंज करते हुए इसको डिस्ट्रीब्यूट किया अकॉर्डिंग टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और फिर उसको कैरी ओवर किया, एक बार और डिस्ट्रीब्यूट किया और कैरी ओवर किया, बाद में इन सब का जोड़ लगा दिया. ये और ये मिलना चाहिए विथ चेंज ऑफ साइन. यस, अपने को मिल रहा है 17.92 माइनस प्लस और ये माइनस. इसी प्रकार से इसका भी मिलना चाहिए. ये इसको जब जोड़ लिया कहा गया तो मान लो ये 16.24 प्लस माइनस ये सब मिल गया. अब अपने को यहाँ रियल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना पड़ेगा. ये अपन ने WL² / 8 बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकाल बनाए थे, बेंडिंग मोमेंट निकाले थे. ये हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये बना लिया. नाउ दिस विल बी योर फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. यहाँ अपने को ये निगेटिव मिल रहा है, इतना पॉजिटिव मिल रहा है, इतना निगेटिव मिल रहा है और इतना पॉजिटिव मिल रहा है. वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम पॉजिटिव एज वेल एज मैक्सिमम निगेटिव बेंडिंग मोमेंट.
एक बार ये सब मैक्सिमम निगेटिव मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट बनाने के बाद में अपने को मैक्सिमम शेयर फोर्स और रिएक्शंस एक्चुअल रिएक्शन निकालने पड़ेगी। पहले जब अपन रिएक्शन निकालते थे उसमें अपने को ये मोमेंट्स को ऐड नहीं किया था। नाउ यू कैन सी अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस कैलकुलेशंस एम ए एम बी एम सी और एम डी ये चारों निगेटिव बेंडिंग मोमेंट हैं और यूडीएल के कारण आने वाले पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है। रिएक्शन निकालना है तो पहले आर ए निकालना है रिएक्शन। तो क्या करेंगे, इस बीम को सेपरेट किया, आउट किया, यहाँ पर इधर वाला पोर्शन छोड़ दिया, परंतु ये मोमेंट यहाँ का ले लिया, ये मोमेंट यहाँ ले लिया, ये मोमेंट यहाँ ले लिया, ये आर ए और ये टेक द मोमेंट एट बी एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर ए। अब दूसरी बार अपने को आर सी निकालना है, आर बी निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक को कंसिडर करो। ये देखो ये कंसिडर किया, यहाँ से लेकर ए बी और सी, और सी पे मोमेंट लो, क्योंकि बी का मोमेंट इतना और इतना कैंसिल हो जाएगा इसलिए इस मोमेंट के लिए ज़रूरत नहीं है। यहाँ मोमेंट लोगे, ये वैल्यू अपने पास ऑलरेडी है, तो आपको आर बी की वैल्यू मिल जाएगी। अब आर ए और आर बी आ जाए, फिर अपने को आर सी और आर डी दो अननोन है, तो पहले क्या करो, इस आर डी को अलग, आर सी और डी को निकाल के अलग बनाओ। ये सी और डी को अलग बनाया, इसमें मोमेंट यहाँ लेकर के आर डी की वैल्यू निकालो। मोमेंट लिखे, क्योंकि देखो ये जो है ये साइन आ गया, साइन लिखे। इस मोमेंट आने के बाद में एक बार आपको ये मोमेंट मिल गए सब, और ये रिएक्शन मिल गई, आर डी मिल गया, आर बी मिल गया, आर ए मिल गया। सिग्मा वी इज इक्वल टू जीरो, डाउनवर्ड लोड इज इक्वल टू अपवर्ड लोड, देन आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी प्लस आर डी इज इक्वल टू 8 × 4 इज इक्वल प्लस 10 × 5 प्लस 6 × 3 दैट इज 100। सो आर ए आर बी और आर डी इज नोन, तो आर सी कैन बी कैलकुलेटेड। इसका सम, आर डी का सम, आर बी का सम और आर ए का सम मिला करके इस टोटल सम के बराबर आ जाए। एक बार ये अपने को मिल गया, एक बार ये आपको मिल गया रिएक्शंस, तो इससे अपन फिर शेयर फोर्स के लिए वो काम आएगा। अब ये वही डायग्राम है, अब यहाँ अपन ने रियल रिएक्शन निकाली, आर ए माइनस किया आर बी, फिर इतना माइनस किया यूडीएल, आर सी एंड आर डी। ये शेयर फोर्स डायग्राम बनने के बाद, रियल शेयर फोर्स डायग्राम बनने, अपने को ये सब वैल्यू देखना है, ये वैल्यू इसमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, दैट इज द वैल्यू दैट इज टू बी टेकन फॉर एप्लीकेशन ऑफ शेयर इन्फोर्समेंट एज वेल एज एप्लीकेशन ऑफ ए शेयर फोर्स। इसलिए डिजाइन ऑफ द बीम फॉर मैक्सिमम प्लस माइनस बेंडिंग मोमेंट, जो जिनको बैलेंस है वो फॉर फाइंडिंग आउट वैल्यू ऑफ डेप्थ एंड द एरिया ऑफ स्टील, बेंडिंग मोमेंट का इसलिए निकालना डी और ए एस डी के लिए, एंड शेयर फोर्स का इसलिए निकालना फॉर मिनिमम चेक और शेयर इन्फोर्समेंट के लिए। एक बार ये आ जाए तो फिर मुझे लगता नहीं कि कोई इतना डिफिकल्ट पार्ट है डिज़ाइन करना, वी कैन वेरी इजीली डिज़ाइन ऑल द कैलकुलेशन, व्हेन वी नो ऑल द कैलकुलेशन, शेयर फोर्स इज नोन, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट नोन, देन अब सवाल ये उठता है, जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, यहाँ से ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू पता है और ये मैक्सिमम डब्ल्यू स्क्वायर बाय एट, फाइंड आउट दिस डिस्टेंस विच विल बी द बैलेंस पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, बैलेंस पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। इसी प्रकार से ये और ये देख लो, इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट विल बी द माइनस दैट इज निगेटिव मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ये निगेटिव का मतलब ये है, ये सपोर्ट के ऊपर निगेटिव बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि सपोर्ट के ऊपर अपने को जो रीइन्फोर्समेंट देना है वो रीइन्फोर्समेंट टॉप में देना पड़ेगा, बिकॉज दैट इंडिकेशन इज देयर दैट देयर इज अ टेंशन द टॉप एट द सपोर्ट इटसेल्फ, एट द इंटरमीडिएट सपोर्ट यू विल फाइंड दैट द टेंशन इज देयर। सो फॉर दिस मोमेंट
वी हैव टू फाइंड आउट द डेप्थ एज वेल एज द रीइन्फोर्समेंट एट द सपोर्ट इंटरमीडिएट सपोर्ट। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। एक बार ये मोमेंट मालूम पड़ जाए तो ये इसमें सबसे जो मैक्सिमम मोमेंट है प्लस या माइनस जो भी बचेगा उससे पहले डी निकालना है। जो मैक्सिमम पॉजिटिव मैक्सिमम और निगेटिव है उन दोनों से एरिया ऑफ स्टील निकालना है और उनकी स्टील ले करके शेयर फोर्स के हिसाब से शेयर का चेक लगाना है, डिफ्लेशन का चेक लगाना है और इस प्रकार से अपन बीम की डिज़ाइन कर सकते हैं। यानी कोई डाउट हो तो इसको अपन बाद में सॉल्व कर सकते हैं। ये रिएक्शन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये रिएक्शन अपन ने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। आई थिंक आई शुड कंक्लूड ओवर हियर। नाउ इट इज़ योर ड्यूटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब ये जो ट्रांसफर लोड करना है, आपको मैंने बताया था ट्रेपेज़ॉइडल और ट्रायंगुलर लोडिंग को इक्विवेलेंट यूडीएल में कैसे कन्वर्ट करना है, बाय एलएक्स बाय 3 और दूसरा एलएक्स बाय 2 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन 3 टाइम्स बीटा का स्क्वायर एंड बीटा इज नथिंग बट एल वाई बाय एलएक्स। इससे अपन ट्रेपेज़ॉइडल कन्वर्टेड इंटू इक्विवेलेंट यूडीएल। LY is the longer span and LX is the shorter span. So now everything is known, we can start designing and find out the reinforcement depth at every location at the mid span as well as the reinforcement at the support continuous support also. It's over and all.